हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल फूड इन चार्ज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। और ये सब कुछ बस आप लोगों की दुआओं और प्यार का नतीजा है। मेरे रब की मेहरबानी है जो आज मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर पाई हूँ। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में आज मैंने अपने हाथों से ये केक बनाया है और इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि केक हमने बनाया कैसे है। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मेजरिंग कप ले लिया है। तो कोई सा भी कप जो आपके घर में हो आप उसे ले लें और उसी से आप पूरा केक मेज़र करें। तो यहाँ पे मैंने कप में ले लिया है 1 कप दही। इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने कुकर में केक बनाना है। तो हम कुकर को प्री हीट होने के लिए चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे और कुकर की लीड से जो हम रबर और सीटी है वो उसे निकाल देंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कुकर की लीड को लगा देंगे और इसे स्लो मीडियम फ्लेम पर हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम बना लेते हैं केक। हमने दही डाल लिया था और सेम ही कप से हम यहाँ पे 1 कप लेंगे भरकर शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो घर में रखी हुई चीनी होती है ना, आप उसे पीस लें और पीस कर 1 कप मेज़र करके ले लें। सभी चीज़ों को हम यहाँ पर चाल कर लेंगे, क्योंकि केक बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों को चाल कर लेना होता है ताकि हमारा केक जो है वो एक सार बने। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच भर भर कर रिफाइंड ऑयल। हमारे केक को काफ़ी समय तक मॉइस्चर रखेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बनाए रखने के लिए। केक में हम डालेंगे वैनिला एसेंस। इससे हमारे केक में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और वैनिला एसेंस तो फ्रेंड्स सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी नमक। ये केक की मिठास को बैलेंस रखेगा। मैं आगे आपको सब कुछ बताती चली जाऊँगी किन चीज़ों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं केक बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें अच्छा सा स्मूथनेस फ्लफीनेस ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीमी सा हमारा टेक्सचर जो है हो चुका है बैटर का। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे बाउल के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मैदा। तो सेम कप ही से मैं यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ। 1 कप अभी हमने मैदा डाला है और 1 कप मैदा मैं और डालूँगी। तो हमने 1 कप दही लिया था, 1 कप चीनी लिया है और यहाँ पे 2 कप हमने मैदा लिया है। इस 2 कप मैदे में से हम 2 चम्मच मैदा जो है भर भर कर निकाल लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 चम्मच मैदा क्यों निकाला है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैदे के बदले 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की वजह से हमारी केक में स्लिकनेस आती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चुटकी के करीब, सिर्फ 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा। और साथ ही हम इसमें डालेंगे केक को फुलाने के लिए 1/2 चम्मच भर कर, ये खाने वाला चम्मच है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ना वही चम्मच है। इससे हम 1/2 चम्मच भर कर हम लेंगे बेकिंग पाउडर। इसकी वजह से केक जो है वो हमारा अच्छी तरह से राइज होगा, फूलेगा, काफ़ी स्पंजी बनेगा। तो ये ज़रूर से डालें, ये बिल्कुल मस्ट है। और अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार में डालने के बाद हम इसे चाल लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे केक के बैटर को मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा दूध डाल दे रही हूँ। तो जितना ज़रूरत पड़ेगा हम इसमें दूध डालेंगे। तकरीबन 1 कप इनफ हो जाता है दूध। 1 कप दूध में अच्छी तरह से हमारा जो बैटर है वो रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पास एक टिफ़िन पड़ी हुई थी तो मैंने उसमें ही बनाया है, क्योंकि मेरे पास केक मोल्ड जो है वो अभी नहीं है। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है और सभी बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे इस तरह से पटक पटक के हम इसे
टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर हो वो निकल जाए। इधर हमारा कुकर जो है वो भी प्री हीट हो चुका है। जितना देर हमें बैटर तैयार करने में लगा है उतना देर कुकर हमारा प्री हीट हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, केक के बैटर को डाल देंगे कुकर के अंदर और कुकर की लीड को लगा देंगे। अब हम इसे 35 मिनट्स के लिए इसी तरह से स्लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, 35 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा केक जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से राइज हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे टूथपिक डालकर दिखला दे रही हूँ कि हमारा केक पका है कि नहीं। ये देखिए टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा केक बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और इसके साइड साइड में भी ब्राउनिश आ चुकी है। तो केक हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और केक को हम ठंडा होने देंगे। तो केक की आइसिंग के लिए हमें चाहिए होगा क्रीम। तो यहाँ पे मैंने आइसिंग के लिए हमें क्रीम को सबसे पहले बीट करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास बीटर मशीन है तो इससे हम बीट करेंगे। पहले क्रीम को आप कुछ देर के लिए निकाल कर इसे रख लें। इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और उसके बाद ही हम क्रीम को बीट करेंगे। आज हम आपको क्रीम बीट करके दिखला रहे हैं कि हमें क्रीम को किस हद तक बीट करना चाहिए कि वो आइसिंग के वक्त जो है वो पिघले नहीं, मेल्ट ना हो। आप यहाँ पे ध्यान से देखें गाइस, ये देख सकते हैं पहले हम स्लो मीडियम पर ही क्रीम को बीट करेंगे बिल्कुल स्लोली स्लोली। और क्रीम को आप अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लें। इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। अगर आइस क्रिस्टल है तो उसे चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके पहले आइस क्रिस्टल ख़त्म कर लें, इसके बाद ही क्रीम को बीट करें। बस क्रीम जो है वो अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए तो हमारी क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से बीट होगी। तो यहाँ पर हमें स्लोली स्लोली इसे बीट करते करते धीरे धीरे हमें इसके स्पीड को बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है। मैं यहाँ पे 4 पॉइंट पे इसे बीट कर रही हूँ। अब मैं इसे हटाकर आपको दिखला दे रही हूँ। ये देखिए तो हमारी कितनी अच्छी तरह से जो है क्रीम बीट हुई है। मैं आपको इसे पलट कर भी दिखला दे रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। अगर ये इस तरह की है जो कि हमें बाउल को पलटने के बावजूद भी ये गिर नहीं रही है तो समझ लीजिए कि आपकी क्रीम बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और अब ये आइसिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप निश्चिंत होकर आइसिंग कर सकते हैं केक की। तो यहाँ पे हमारा स्पंज जो है वो भी ठंडा हो चुका है। मैं इसे आपको पलट कर दिखला दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ईजली ये मोल्ड से बाहर निकल चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। बहुत ही अच्छा स्पंज हमारा तैयार हुआ है। सब तरफ से अच्छी तरह से ये बेक हो चुका है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो कोई नहीं कह सकता है कि ये हमने मैदे से बनाया है और ये हम घर में बना रहे हैं। मैं आपको इसे कट करके दिखला दे रही हूँ कि इसमें कितनी अच्छी सी जाली आई है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा स्पंज रेडी हुआ है। बहुत अच्छी इसमें जाली आई है। तो इस तरह से आप घर में केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसकी दूसरी लेयर भी हम काट कर अलग कर लेंगे। तो मैंने 3 लेयर अलग कर ली है। तो इन तीनों लेयर को अब हम क्या करेंगे, बीच वाली लेयर को हम सबसे नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप मैंने ये जो घर में बनाई है गाइस, थोड़े से पानी और थोड़े से चीनी को मैंने गर्म कर लिया और फिर उसके बाद हम इसे ठंडा कर इस तरह से ब्रश की मदद से स्पंज के ऊपर लगाएंगे ताकि स्पंज जो है वो काफ़ी समय तक सॉफ्ट सॉफ्ट बनी रहे। अब हम इसके ऊपर क्रीम से आइसिंग करेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लेकर हम इसे पैलेट नाइफ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो एक लेयर में पहले हम अच्छी तरह से क्रीम लगा लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाएंगे। इसी तरह से हम सभी लेयर को चढ़ाएंगे गाइस। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी लेयर चढ़ा ले रही हूँ और दूसरी लेयर पे भी हम इसी तरह से थोड़ा सा शुगर सिरप लगा देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़े से मैंगो क्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मैंगो क्रश है तो आप डालें, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंगो क्रश की जगह पे आप पाइनएप्पल क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हम पहले क्रश को अच्छी तरह से लगा लेंगे और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम। क्रीम को हम थोड़ा थोड़ा लेकर पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से पूरे केक के ऊपर हम फैला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरी लेयर भी रेडी कर ली है। अब हम लगाएंगे तीसरी लेयर।
तीसरी वाली लेयर पे भी इसी तरह से पहले इसे शुगर सिरप से अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मैंगो क्रश। और मैंगो क्रश हमारी लग चुकी है तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर क्या करेंगे, लगाएंगे क्रीम। तो सबसे पहले जो साइड साइड में हमारी क्रीम लगी हुई है तो इसको हम पूरा केक पे अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स वगैरह हो वो आपस में अच्छी तरह से ढक जाए और जब हम आइसिंग करें तो ब्रेड क्रम्स ऊपर में ना आए। तो जो लोग बिगनर हैं वो इस बात का ज़रूर से ध्यान दें ताकि जो केक बनाते समय ब्रेड क्रम्स ऊपर आ जाते हैं तो वो केक देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए, हमने अच्छी तरह से केक को पहले इसे कोट कर लिया है, अब हम क्रीम लगाकर इसे बहुत अच्छी तरह से सब तरफ से हमें इसे कवर कर लेना है और केक को इसी तरह से पैलेट नाइफ से अच्छी तरह से हम इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे सभी तरफ से ताकि हमारा केक जो है वो देखने में अच्छा लगे। और लोग नज़र से पहले खाते हैं और उसे टेस्ट बाद में करते हैं गाइस, तो कोई भी चीज़ पहले देखने में अच्छी लगनी चाहिए उसके बाद ही हम उसे खाकर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है उसे मैंने जहाँ तक हो सका है मैंने उसे अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। अब हम चल लेते हैं इसे गनाश से इसे पोर करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक पैपिन बैग ले लिया है और पैपिन बैग को ग्लास में रख कर उसमें मैं गनाश डाल रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि गनाश जो है हम किस तरह से डालें कि हमारे गनाश बहुत अच्छी तरह से केक के ऊपर पोर हो जाएं और हमें पैलेट नाइफ लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से अगर आप कोन में भर कर गनाश लगाएंगे केक के ऊपर तो आपके गनाश बहुत ही अच्छी तरह से केक के ऊपर पोर होंगे और आपको पैलेट नाइफ लगाने की भी झंझट नहीं रहेगी, ये देख सकते हैं आप। और गनाश कि ये देखिए बहुत ही अच्छी सी इसमें शाइनिंग भी आई है। इसे में जो है बहुत ही इजी तरीका ये मैंने आपको बताया है गाइस गनाश लगाने का केक के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन आज जो मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ गनाश लगाने का, ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस तरह से आप लगाएंगे गनाश तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपके गनाश जो हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगे और बहुत ही इजी तरीके से ये पूरे केक को कवर भी कर लेंगे। मैं आपको गनाश बनाने की तरीका जो है वो अगले वीडियो में दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी जो हमने ये गनाश बनाया था और थोड़े से जो क्रीम बचे हुए थे हम गनाश में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये हमारा बहुत ही चॉकलेटी सा जो है क्रीम रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम पैपिन बैग में भर लेंगे और पैपिन बैग में भरने के बाद हम केक के ऊपर इससे बनाएंगे डिज़ाइन। तो आप कोई सा भी डिज़ाइन अपने मनपसंद का बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्रीम को हम इस तरह से पैपिन बैग में भर लेंगे और उसके बाद चलिए हम बना लेते हैं डिज़ाइन। तो हमारे जो केक है यहाँ पे इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद ही हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे गाइस। मेरे पास ये इस तरह की एक नोज़ल थी तो इसीलिए मैंने इस नोज़ल से ही छोटे छोटे से ड्रॉप जो हैं क्रीम के केक के ऊपर इस तरह से बना दिए हैं। तो ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं और आप इसी तरह से चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी केक की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं ताकि मुझे भी हिम्मत मिल सके कि मैं केक बना सकती हूं कि नहीं। और इसमें जो भी कमी वगैरह हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। तो मैंने अपने केक को थोड़े से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़े से चेरी लगा दिए हैं ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये केक मैंने बनाया है, मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इस खुशी में मैं आप लोगों के साथ ये केक शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करूँगी इस केक को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़े से सिल्वर बॉल्स से जो हैं ड्रॉप के ऊपर एक एक करके इस तरह से चिपका दिए हैं तो ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये सभी को पसंद आए, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये थोड़े से सिल्वर बॉल्स मैंने केक के ऊपर इस तरह से डाल दिए हैं। अब हमारा केक बिल्कुल ही रेडी है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहले फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है इस केक को बनाकर, जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर के खुशी में मैंने बनाया है।
और ये देखिए अब मैं इसे काट रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल ही अकेली हूँ और मैं इस केक को अकेले ही मैंने बनाया है और इसे मैं बस आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। गाइस, बच्चे मेरे गए हैं स्कूल और हस्बैंड गए हैं अपने जॉब पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ बस मुझे अकेले ही करना पड़ा। तो मैं अब क्या बताऊँ, बस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है आज आप लोगों के साथ केक बनाकर और इसे कट करने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करें। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।